गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ कंप्यूटर. टूडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूजिंग अ कीबोर्ड. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड सीन अबाउट सम कीज इन अ कीबोर्ड एंड देयर यूजेस एंड द ग्रुप्स इन विच अ द कीज ऑफ अ कीबोर्ड आर डिवाइडेड, लाइक अल्फाबेट कीज, नंबर कीज, कर्सर कंट्रोलिंग कीज, function keys and special keys. Today we are going to learn about some special keys in detail. So students, let's start. In the category of special key, the first key is given here is backspace key. The backspace key erases any character that is present on the left of the cursor. Students, in last class I told you now what is a cursor. A small blinking line on the screen is known as a cursor. And backspace key is used to erase the letter which is present on the left side of the cursor. Which side? On the left side of the cursor. For example, you want to type the keyboard, but by mistake you type the letter F after B. Keyboard की spelling क्या होती है? KEYBOARD. But by mistake हमने यहाँ पे B के बाद F अगर type कर दिया तो हम F को कैसे delete करेंगे? पहले हम F के बाद click करेंगे, F के बाद cursor को वहाँ पे लाना पड़ेगा with the help of left button of the mouse. Then we will press the backspace key और उसके बाद जो F की है वो erase हो जाएगा and you will get your spelling keyboard. हमेशा suppose ये एक cursor है, मैं यहाँ पर draw कर रही हूँ, this is a cursor, okay? A backspace key always erases letter in the left side of the cursor, okay students? To remove the letter F, place the cursor after it and press the backspace key. The letter F gets removed. Let's move on to the next key. यहाँ पे आपका backspace key दिया रहता है. I'm zooming it in. This is a backspace key. Next key is delete key. The delete key erases any character that is present to the right of the cursor. Students, like backspace, delete key also delete the letters, but it works in the opposite side of the backspace key. Backspace key क्या करता था? Cursor के लेफ्ट साइड मूव करता था, बट डिलीट की कर्सर के राइट साइड मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू टाइप द वर्ड फ्लावर. सपोज हमको फ्लावर लिखना है, बट बाय मिस्टेक यू टाइप द लेटर जी आफ्टर डब्लू. अब हमको फ्लावर लिखना है. फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है? एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर. लेकिन बाय मिस्टेक हमने W के बाद G को लिख दिया, तो अब हम कैसे डिलीट करेंगे? टू रिमूव द लेटर G, प्रेस द कर्सर बिफोर इट एंड प्रेस द डिलीट की. द लेटर G गेट्स रिमूव. जस्ट आई टोल्ड यू डिलीट की राइट साइड मूव होके डिलीट करता है, तो हम लोग G के पहले कर्सर को रखेंगे, देन वी विल प्रेस द डिलीट की और डिलीट की राइट साइड मूव होके जी को डिलीट कर देगा एंड वी विल गेट आवर स्पेलिंग एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर. ओके स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू शो वेयर इज डिलीट की प्रेजेंट इन द कीबोर्ड. हियर दिस वन इज अ डिलीट की, दिस वन. ये है बैकस्पेस एंड डिलीट. अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे करके, ओके या हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया. दिस इज लेफ्ट साइड एंड दिस इज राइट साइड. अब आप बताइए,
बैकस्पेस की लाइन के किस साइड है? लेफ्ट साइड। इसलिए बैकस्पेस की हमेशा लेफ्ट साइड होके ही इरेज करता है। और डिलीट की लाइन के किस साइड है? राइट साइड। इसलिए डिलीट की हमेशा राइट साइड मूव होके डिलीट करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट की इज स्पेस बार की। स्पेस बार की, द स्पेस बार की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये सबसे लंबा की होता है कीबोर्ड में। इट इज़ यूज टू पुट अ ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू लेटर्स और नंबर्स। इट इज़ यूज फॉर गिविंग ब्लैंक स्पेस, मतलब खाली जगह दो लेटर्स के बीच में छोड़ने के लिए हेल्प करता है। जब भी हम लोग कोई सेंटेंस अगर लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग एक वर्ड के बाद उसमें स्पेस छोड़ते हैं कि नहीं? लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू राइट अ सेंटेंस लाइक I love ice cream. जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है तो I और love के बीच में ये खाली जगह है, और love और ice cream के बीच में ये खाली जगह दिख रही है। अगर हम इसको ऐसे लिखते I love ice cream, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? नो, क्योंकि लेटर्स के बीच में स्पेस नहीं है। इसीलिए लेटर्स के बीच में स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन वी यूज़ कीबोर्ड फॉर टाइपिंग, स्पेस बार हेल्प अस फॉर गिविंग स्पेस बिटवीन टू लेटर्स। फॉर एग्जांपल, टू टाइप द सेंटेंस आई लव कंप्यूटर्स, फॉलो द गिवन स्टेप। टाइप आई, सबसे पहले मैंने आई टाइप किया, देन पे प्रेस द स्पेस बार की, फिर मैंने स्पेस बार की को प्रेस किया तो ये ब्लैंक स्पेस आ गया यहाँ पे। फिर मैंने लिखा टाइप लव, लव टाइप किया, आफ्टर दैट अगेन प्रेस द स्पेस बार की, फिर स्पेस बार हमको प्रेस करना है। ऐसे करके सेंटेंस प्रॉपर हम लोग राइट कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज एंटर की। द एंटर की इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। एंटर की किस लिए यूज़ होता है? एक न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए। अ कीबोर्ड हैज़ टू एंटर कीज। एंटर कीज कैन बी डिफरेंट शेप्स, कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स। कीबोर्ड में कौन कहाँ कितने एंटर की रहते हैं? टू एंटर की। कहाँ पे टू एंटर कीज रहते हैं? अभी मैं दिखाती हूँ आपको। दिस इज़ अ कीबोर्ड, ओके? अब देखिए इसमें टू एंटर कीज है, एक तो यहाँ पे और दूसरा यहाँ न्यूमेरिक कीपैड में। दिस इज वन एंड दिस इज नंबर टू। अ कीबोर्ड हैज टू एंटर कीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ एन एंटर की? लाइक एंटर की इज यूज फॉर स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। कैसे न्यू लाइन स्टार्ट करने में हेल्प करता है? सपोज ये पैराग्राफ मैंने टाइप किया, अब मुझे इसके आगे कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे पैराग्राफ चेंज करना है, तो मैं एंटर की को प्रेस करूँगी और जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली इस लाइन में आ जाएगा, फिर वो एक न्यू लाइन से टाइप होना स्टार्ट होगा। चलो से इस एग्जांपल्स को देखते हैं। ये देखो थ्री एग्जांपल्स दी हैं, तीनों अलग अलग लाइन में लिखे गए हैं। तो कैसा लिखा गया है? टाइप द सेंटेंस आई लव कंप्यूटर, पहले ये वाला सेंटेंस हमको टाइप करना है, आफ्टर दैट प्रेस द एंटर की, फिर हमको एंटर की प्रेस करना है। द कर्सर गेट प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अब जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में आ जाएगा। पहले जो कर्सर वर्ड के एंड में था, अब वो नीचे आ गया है। नेक्स्ट, टाइप द सेंटेंस लर्निंग कंप्यूटर इज़ फन, फिर हम दूसरा सेंटेंस भी टाइप कर देंगे। हमको अगर और नीचे जाना है तो हम फिर एंटर की प्रेस करके कर्सर को नीचे ले आएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट की। नेक्स्ट की इज कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक की लेट यू टाइप लेटर्स इन कैपिटल्स। The caps lock
इंडिकेटर दैट ग्लोज ग्रीन व्हेन इट इज ऑन. कैप्स लॉक की क्या करता है स्टूडेंट, इट हेल्प अस टू राइट इन कैपिटल लेटर्स. एंड व्हेन वी ऑन अ कैप्स लॉक की, अ ग्रीन इंडिकेटर ऑल्सो गेट्स ऑन एंड इट हेल्प अस टू सी वेदर द कैप्स लॉक की इज एक्टिवेटेड और नॉट. अगर हमको कोई भी लेटर कैपिटल में टाइप करना है, लाइक इफ ये स्मॉल है एंड दिस वन इज कैपिटल, तो नॉर्मली कंप्यूटर में जब हम टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो लेटर स्मॉल में आते हैं. बट अगर हमने कैप्स लॉक एक बार प्रेस कर दिया, उसके बाद जो लेटर्स आएंगे वो कैपिटल में आएंगे. मैं आपको कीबोर्ड में इसकी पिक्चर दिखाती हूँ. दिस इज अ कैप्स लॉक की और इसका इंडिकेटर यहाँ रहता है, हेयर. जब हम कैप्स लॉक की को ऑन करते हैं तो उसका इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है और यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट ऑन हो जाती है, विच हेल्प अस टू राइट इन कैपिटल लेटर. अगर हमको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है तो हम फिर से इस की को दबा देते हैं और ये जो ग्रीन लाइट है ये भी ऑफ हो जाती है. नेक्स्ट की इज शिफ्ट की. द शिफ्ट की कैन बी यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन द कैप्स लॉक की इज ऑफ. जब कैप्स लॉक की ऑफ रहता है तो शिफ्ट की भी हमको हेल्प करता है लेटर्स को कैपिटल में टाइप करने के लिए. टू टाइप कैपिटल लेटर्स प्रेस द शिफ्ट की एंड द अल्फ़ाबेट की एट द सेम टाइम. इसके लिए हमको दोनों कीज़ को, दैट इज़ शिफ्ट की और जो भी अल्फ़ाबेट की आपको प्रेस करना है उसको एक साथ प्रेस करना पड़ता है. इफ़ द कैप्स लॉक की इज़ ऑन, और जब कैप्स लॉक की ऑन रहता है उस टाइम अगर हम शिफ्ट की के साथ किसी अल्फ़ाबेट की को प्रेस करते हैं तो वो अल्फ़ाबेट की स्मॉल लेटर्स में आता है. मीन्स अ शिफ्ट की ऑलवेज वर्क ऑपोजिट ऑफ कैप्स लॉक की. अगर आप सपोज करिए सारे लेटर्स कैप्स लॉक ऑन करके लिख रहे हैं और बीच में आपने शिफ्ट की का यूज़ किया तो वो स्मॉल लेटर में आएगा, और अगर कैप्स लॉक ऑफ है और आप उस टाइम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं तो लेटर्स कैपिटल लेटर्स में आएंगे. सम कीज ऑन द कीबोर्ड हैव टू कैरेक्टर्स. द शिफ्ट की कैन ऑल्सो बी यूज विद दोज कीज टू टाइप द अपर कैरेक्टर्स ऑन देम. शिफ्ट की टू टाइप्स ऑफ वर्क कर सकता है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यू टाइप द वर्ड वाओ, फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमको ये वर्ड टाइप करना है, देखते हैं कैसे टाइप होगा. प्रेस द शिफ्ट की, हमने एक फिंगर से शिफ्ट, यहाँ पे सपोज एक की है शिफ्ट और यहाँ थ्री दो कीज दिए हैं डब्ल्यू एंड ओ. ओके, कीप द शिफ्ट की प्रेस्ड. शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा है. टाइप द लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू भी मैंने टाइप कर दिया वन टाइम. रिलीज द शिफ्ट की, अब शिफ्ट की को छोड़ देना है. देन टाइप ओ डब्ल्यू, O and W. Press the shift key again. Keep it pressed. अब जो numeric की होती है उसमें भी टू functions रहते हैं. जैसे की नंबर वन है उसके ऊपर भी exclamatory mark रहता है. Like this. यहाँ पे जो number keys है आप अगर ध्यान से देखिए तो नंबर कीज के ऊपर भी कुछ साइंस दिए हुए हैं, टू के ऊपर भी कुछ साइंस दिए हैं. अब दिखा आपको क्लियरली, तो जो अपर सिंबल्स होते हैं किसी भी कीज में, जैसे यहाँ पे जो कीज दी हैं इसमें क्वेश्चन मार्क भी है और स्लैश भी है, तो जो ऊपर साइड जितनी भी साइंस दी होती हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं. बिना शिफ्ट की के वो साइंस यूज़ नहीं होती. अब वॉ के बाद भी यहाँ पे एक
एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है जो लेटर वन के साथ आता है, तो इसको टाइप करने के लिए हमको शिफ्ट और वन की दोनों साथ में टाइप करना होगा। होप यू ऑल हैड अंडरस्टैंड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज होम की। द होम की मूव्स द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द लाइन। जो होम की होता है वो कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में मूव करने में हेल्प करता है। कर्सर कहीं पे भी हो लाइन के एंड में, अगर उसको स्टार्टिंग में लाना है तो होम की यूज़ होता है। एंड की, द एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। अगर लाइन के एंड में हमको कर्सर लाना है तो हम एंड की यूज़ करते हैं। देन कंट्रोल कीज, CTRL, CTRL स्टैंड्स फॉर कंट्रोल। देयर आर टू कंट्रोल कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में टू कंट्रोल कीज होते हैं। द कंट्रोल की व्हेन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर की सर्व्स एज शॉर्टकट फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस। यू विल लर्न द यूज ऑफ कंट्रोल कीज इन द लेटर चैप्टर स्टूडेंट्स। जो कंट्रोल की होता है वो बेसिकली शॉर्टकट कीज की तरह यूज़ होता है। हम इसके बारे में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अगर अभी मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल की का यूज़, तो आप इतने सारे फंक्शंस में कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट इज पंचुएशन की। व्हेन टाइपिंग यू कैन यूज़ वेरियस पंचुएशन कीज। पंचुएशंस इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा ना, लाइक कॉमा, फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, ऑल दीज आर पंचुएशन। कीबोर्ड में भी ये सारी कीज होती है ताकि हम प्रॉपरली किसी सेंटेंस को लिख सकें, लाइक कॉमा, फुल स्टॉप, हाइफन, डबल कोट्स, सिंगल कोट्स टू कंप्लीट योर सेंटेंस। द पंचुएशन मार्क्स अपियरिंग एज अपर कैरेक्टर्स कैन बी टाइप बाई होल्डिंग डाउन द शिफ्ट की एंड द पंचुएशन की एट द सेम टाइम। जैसे अभी हमने यहाँ पे वाव लिखा, वाव के बाद जब हम लोग को एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर कराना था तो हम लोग ने शिफ्ट की के साथ इस लेटर को प्रेस किया, तब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ हुआ ना। वैसे ही जितनी भी पंचुएशन कीज़ हैं उसमें अगर वो अपर फॉर्म में दिया है, मतलब कीबोर्ड में अगर टू साइंस हैं, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है स्लैश, तो जो ऊपर वाली साइन होती है उसको एंटर करने के लिए हमको शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ता है। तो पंचुएशन कीज़ भी वैसे ही एंटर होती हैं। स्टूडेंट्स हियर दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। व्हाट यू नीड टू डू इज़ रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली, एंड इफ़ यू आर हैविंग अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप इन योर होम देन डू प्रैक्टिस दिस कीज़ एट योर होम। अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है तो आप लोग इस कीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय टाइपिंग, और आप लोग इसी चैप्टर को टाइप करिएगा ताकि साथ में आपका रिवीजन भी होता रहे। ओके, सपोज़ अगर आप कैप्स लॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फिर कैप्स लॉक की के बारे में जो लिखा है उसी को टाइप करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।